नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस दूसरी लहर को किसी भी तरह रोके, लेकिन फिर सवाल अर्थव्यवस्था का आ जाता है। इसलिए पूर्ण लॉकडाउन ना लगाकर राज्य सरकारें नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू का सहारा ले रही है और सघनता से चेकिंग के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रही है। इस वक्त लोग डरे हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 15 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अब भी लापरवाह हैं और इस लापरवाही के चक्कर में मास्क नहीं पहन रहे हैं और ना ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पुलिस की बात नहीं सुन रहे, इसके साथ उनसे बहस करने पर उतारू हो रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देख कर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसी पैनिक स्थिति में ये करना सही होगा। अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना, तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते फिरेंगे। इस वीडियो को हम आपको दिखाएं, इससे पहले पूरा वाक्य समझिए और जानिए कि आखिर हुआ क्या। पूरे देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है, जिस कारण राज्य सरकारों को एक बार फिर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसी वजह से कई राज्यों में वीकेंड पर लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन राजधानी दिल्ली में एक जोड़े को ये पसंद नहीं आया। पुलिस ने जब उनकी गाड़ी रोकी तो कार में सवार महिला उनसे बदतमीजी करने लगी और पिता के पुलिस में होने की धौंस जमाने लगी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बीते शनिवार और रविवार को दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत की, जिसके बाद वीकेंड लॉकडाउन पर दिल्ली के दरियागंज में जब पुलिस ने बिना मास्क के कार में कर्फ्यू के दौरान घूम रहे कपल को रोका तो उसमें सवार महिला आग बबूला हो गई। कार में बैठी महिला ने पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी और घंटों सड़क पर ड्रामा चलता रहा। महिला ने धौंस देते हुए कहा, मेरा बाप भी पुलिस में है, मेरा बाप भी एक SI है, आ गए मास्क के नाम पर चालान मांगने भिख मंगे। माफ कीजिएगा इन शब्दों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे तो इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने जब मास्क नहीं पहनने का कारण पूछा तो महिला ने कहा, मैं तो इसको किस भी करूंगी, रोक सको तो रोक लो। सूत्रों के मुताबिक कपल के पास ना तो कर्फ्यू पास था और ना ही फेस पर कोई मास्क था। महिला ने पुलिस कर्मियों को अपशब्द भी कहे। आरोपी महिला ने कहा, कोई कोरोना नहीं है, बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक बार फिर आपको ये पूरा वीडियो दिखाते हैं और वीडियो देखिए और समझिए। आप बताओ, चलती हुई गाड़ी को आप लोगों की आपका अधिकार है? बंद गाड़ी में हम बैठे हैं। कौन सी बात आपका अधिकार है? नहीं आपका कौन सा अधिकार? कौन सी बात आपका अधिकार है? नहीं है किस चीज के? नहीं आप बताओ, ये सारे लोग मरे मुख्यमंत्री गाड़ी में क्या दिक्कत है? शर्म नहीं आती? रोक क्यों रहे? हमारे लोग रह गए तो आँखों में नहीं जाता। नहीं, मेरा पति है, ये मेरा पति है, मेरा मन करेगा अभी किस करूंगी इसको, क्या करोगे तुम? हम मना कर रहे हैं तो तुमने हमारी गाड़ी बाहर कैसे लगाया? लेडी पुलिस मिलाओ फटाफट, जाओ जो करना है कर लो, ले लो चालान, चलो पब्लिक है तो फिर ला वीडियो बनाओ, ले लो चालान, चलो चलान ले गाड़ी की चाबी ले लो, गाड़ी की चाबी ले लो। यार लेडी पुलिस कहाँ है? सुनो बुला ले, शाम तक सारे के सारे रोक लो, जल्दी बुलाओ, कौन भी है कोई भी भाग कर आएगी। और तुम गाड़ी को हाथ आगे दिखा दो, चाबी को चलो, चलिए लगाइए चाबी को हाथ। सर 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 चालान आए बड़े चालान, अरे पुलिस वाले फ्रीस्टाइल शर्म कर लो, नॉर्मल पब्लिक से सुन ले लो। मैडम चालान भी करेंगे, एफआईआर भी करेंगे, अभी बताएंगे सारी चीजें। बोलूंगी नहीं, नौटंकी काट रखी तुमने कोरोना के चक्कर में, कोई बात नहीं।
लेंगे चालान हमसे आए बड़े। दिल्ली पुलिस ने थाने में महिला स्टाफ को बुलाकर उनकी मदद से कपल को थाने ले गई। दोनों आरोपियों पर धारा 188 के और 51 बी के तहत केस दर्ज किया गया है, साथ ही उनका चालान भी काटा गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर पढ़े लिखे लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो फिर सरकार जो कोशिश कर रही है उसका लाभ कैसे होगा? अगर हाल यही रहा तो फिर अगला कदम लॉकडाउन हो सकता है, जिससे आपको हमें काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। इसके साथ लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ये मुहिम चला रहा है कि जब भी आप बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें या फिर बार बार साबुन से धोएं, बेवजह भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, जितना हो सके अभी इन सभी चीजों को अवॉइड करें।